इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु भगवान शिव, याज्ञवल्क जी महाराज, पूज्यपाद गोस्वामी जी, ये कागवसुंडी जी, सभी महापुरुष कथा अपने अपने भावानुसार सुना रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी जहाँ जहाँ सिद्धांत कहना होता है वहाँ किसी श्रेष्ठ के श्रीमुख से बात कहवा देते हैं। सिद्धांत जिसको आप काट नहीं सकते हैं वो अकाट्य है। जैसे हमको जब कुछ कहना होता है तो कहते हैं ना, अमुक ने कहा, अमुक ने सुनाया, अमुक ग्रंथ में लिखा है, अथवा जब बहुत कोई टेढ़ी बात होती है तो कह देते हैं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं। वो कहे होते हैं तभी हम कहते हैं ऐसा, अन्यथा नहीं कहेंगे। और बात फंसती है तो कहते हैं चित्रकूट जाओ, तुलसी पीठ में सुनो सुनाओ, सरकार की आज्ञा है, जिसको ज़्यादा खुजली हो इधर भेजो, वहीं समाधान प्राप्त होता है। अपने तो बस चौपाई सुनाना गाना है, भाव कहना ये है श्री अयोध्या जी की महिमा, महात्म्य, प्रातस्मरणी परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपने मित्रों को, सखा मंडली को सुनाया, ढूंढा नहीं, जो साथ में थे उनको सुना दिया। हम आप अन्यथा यहां नहीं आए, अकारण नहीं आ गए, न विश्वामित्र जी अकारण पहुंच गए, किस लिए गए, धर्म रक्षार्थ, यज्ञ रक्षार्थ। लखनऊ कथा में एक बात बड़ी सुंदर आई थी, धर्म रक्षार्थ मंदिर निर्माणार्थ, मंदिर निर्माणार्थ सही हुआ ना, मंदिर निर्माण के लिए, यज्ञार्थ यज्ञ के लिए। तो के देख के ऐसे तो गड़बड़ होगा, बहुत विद्वान बैठा हो ना तो आधी कथा भुला जाती है। तो यज्ञ रक्षार्थ, यज्ञ संपन्नार्थ, कन्या विवाहार्थ, हॉस्पिटल निर्माणार्थ, गौशाला निर्माणार्थ, अथवा तो धर्म प्रयोजन के लिए किसी भी कार्य को संपन्न करने हेतु किसी से कुछ भी मांग लेना, ये सनातन धर्म की परंपरा है, इसमें कोई दोष नहीं, मांगो, सेवा संपन्न हो। अब देखिए यहां बाबा विश्वामित्र जी किस लिए आए, यज्ञ रक्षार्थ। चक्रवर्ती जी महाराज का श्री रघुनाथ जी में जीव पिता का प्रेम है। कहते हैं धर्म और यश आपका बढ़ेगा। गुरु जी महाराज ने तीन बात कही, देखिए कथा को विनोद न बनाया जाए, कथा विनोद नहीं, कथा अमृत रस का मंथन है, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोद गभीर, कथामृत जो है ये आनंद वर्धन का साधन है। परमार्थ और परमात्म तत्व दर्शन का साधन है, मजा का साधन नहीं। दर्शन करिए राजन, गुरु वशिष्ठ कहते हैं राजन यज्ञ नारायण की ही कृपा से आपको ये चार पुत्र मिले, विश्वामित्र महाराज यज्ञ रक्षार्थ ही आए।
यज्ञ नारायण की ही कृपा से आपको चार पुत्र मिले, यज्ञ रक्षार्थ ही विश्वामित्र महाराज हैं, अस्तु आपको यज्ञ के निमित्त एक दो नहीं चारों पुत्र को समर्पित करना चाहिए। अरे एक विधि, जब गुरुकुल से पढ़कर प्रभु आए भाइयों समेत, तो शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा के पश्चात दीक्षा, राजपुत्रों को जब तक आयुध की दीक्षा नहीं मिल जाए शिक्षा का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि राजा को, वैश्य को, विप्र बालक को अपने अपने वंश परंपरा के व्यवहार में निपुण होना चाहिए, निष्णात होना चाहिए। अब हमार लड़का कुछ न करे, कम से कम संध्या वंदन तो करे, मानस का पारायण तो करे, राम राम तो जपे, तो नहीं जपेगा तो कौन कहेगा हमार लड़का है, हमार बिटिया है, हमार बचवा है। बणिक का बच्चा यदि वो वैश्यवृत्ति को समझता नहीं तो कौन कहेगा कि वो बाणिया का बच्चा है, व्यापार कर रहा है बार बार घाटा उठा रहा है तो कहे का बणिक, हो तो पंडित जी है, पंडित जी व्यापार करते हैं घाटा उठा लेते हैं। क्षत्रिय बालक राजपुत्र यदि आयुध शिक्षा में निपुण नहीं है, शस्त्र अस्त्र चलाने में उसको निष्णातता प्राप्त नहीं है, तो कौन कहेगा राजपुत्र है, मानेगा कौन, कोई नहीं मानेगा। राजन, विश्वामित्र जी महाराज ने बहुत आयुध तप करके अर्जित किए हैं, शिक्षा हमने दे दी, अब आयुध की दीक्षा के लिए इनको इनके साथ ही जाना पड़ेगा। राजन आदि आदि तब वशिष्ठ बहुविधि नृप संदेह नाश पा। अरे जैसे लगा कि परमार्थ सधेगा, बच्चों का कल्याण होगा, महाराज ने विदा किया, विदा कर दिया हो, प्रयोग हो गया, ताड़का जैसे दिखी, राम जी ने पूछा भी नहीं, चले जात मुनि दीन दिखाई, किसको ना, चले जात मुनि, मुनि जी को जाते ताड़का ने देख लिया। हाँ, देखा देखा लिखल बा, घर से बोले का बा, सब लिखा पढ़ी का मामला बा, चले जात मुनि अब त्योहार वाला अर्थ, चले जात मुनि जी को ताड़का दीन दिखाई, चले जात मुनि ताड़का दिखी तो गुरु जी ने दिखा दिया, जैसे गुरु जी ने दिखाया और ताड़का ने सुना तो क्रोध करके दौड़ी, किसकी ओर, गुरु जी की ओर, सुनी ताड़का गुरु जी ने नहीं कहा मारो, अगली पंक्ति का है हो, एक ही बार गुरु जी ने नहीं कहा मारा, गुरु जी को खाने के लिए दौड़ी है, तब परमात्मा ने उतारा है अपना सारंग और मार दिया, एक ही बाण प्राण दीना, एक बाण ने भगवान ने उसके प्राण का हरण कर लिया, ताड़का को राम जी का दर्शन हो गया, भगवान ने उसको अपने पद में लीन कर दिया, राम पद प्रदान कर दिया। किसी को लाड़ लड़ाते हैं, किसी को दुलारते हैं, किसी को तारते हैं, किसी को मारते हैं, तब भी
तार ही देते। इतना प्रयोग भया कि विश्वामित्र बाबा पहचान गए, आश्रम लाए और पहचानते ही जैसे स्वामी रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को पहचान लिया, स्वामी रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को पहचाना और सब तपस्या नरेंद्र को सौंप दिया। जानते हैं ये पिताजी सदगुरु और महाराज सौंपते किसको हैं? जिसको वो अपने से अलग नहीं मानते। सदगुरु तपस्या तब सौंपता है जब शिष्य को आत्मस्वरूप मानता है, राजा तब सौंपता है जब उसको आत्मस्वरूप मानता है उत्तराधिकारी को, नहीं तो नहीं सौंपेगा। आप देखिए चुनाव चल रहा है, टिका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं सुनिएगा। 10 वर्ष हो गया आदरणीय मनमोहन सिंह साहब को भारत का प्रधानमंत्री बने, कितना साल हुआ? लोग बड़ी निंदा करते हैं ऐसा प्रधानमंत्री वैसा, लेकिन मेरी बड़ी ममता है प्रधानमंत्री जी में। कह क्यों? मैं बड़ा प्रशंसक हूं। अब कोई पूछे क्यों? देखिए कोई और कारण नहीं है। एक घर जो चला रहा है रात को नींद की एक गोली लेता है, कभी पूछ दीजिए उस आदमी से का हो ठीक बा, अरे का खाक ठीक बा, का हुआ, जितने लोग उतने मालिक, और जो पूरा भारत गणराज्य चला रहा है उसकी क्या स्थिति होगी? लेकिन तब भी ये आदमी मुस्कुराता ही मिलेगा आपको, टेंशन फ्री। ये उपलब्धि नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये उपलब्धि है कि 10 वर्ष बिना किसी बवंडर के भारत की सत्ता चल रही है। इससे भारत की छवि, लोग चाहे जितना आंदोलन उपग्रह बनावे, लेकिन भैया पूरे विश्व में भारत एक अखंड राज्य देश के रूप में पहचाना जाता है। जो बाहर जा रहे हैं उनको पता होगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।